रोहतक में पुलिस ने कल आधी रात को गांव नोनंद में हुए संदीप हत्याकांड और फरवरी में हुए गांव भाली आनंदपुर के बलराज उर्फ पप्पू हत्याकांड की ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया है। हत्याओं में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दोनों आरोपियों से अलग अलग थाने में पूछताछ कर रही है। पूछताछ में दोनों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कल आधी रात को गांव नोनंद में हुए संदीप हत्याकांड के आरोप में जिसे गिरफ्तार किया गया है वह मृतक का जिगरी दोस्त सुधीर उर्फ जादू निकला है। पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है कि कुछ दिन पहले हुए झगड़े की रंजिश रखते हुए नोनंद निवासी करीब 40 वर्षीय संदीप की हत्या की गई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। गांव नोनंद निवासी सुधीर उर्फ जादू ने पुलिस पूछताछ में बताया कि मृतक संदीप का गांव के ही रोहित के साथ झगड़ा हो गया था। इसी झगड़े के रंजिश रखते हुए रोहित ने संदीप की हत्या करने का प्लान बनाया, जिसमें सुधीर को भी शामिल कर लिया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया आरोपी सुधीर, पुलिस जांच के अनुसार रोहित ने सुधीर को हत्या के लिए तैयार कर लिया, जिसके बाद रोहित ने अपने घर से लोहे की राड व दराती ली। लोहे के राड सुधीर को थमा दी और दराती खुद लेकर रात करीब 10 से 11 बजे संदीप के घर पहुंचे, जहां दीवार फांद कर दोनों आरोपी घर के अंदर गए। संदीप पंखा चलाकर सो रहा था, इसलिए उसे आवाज सुनाई नहीं दी। घर में घुसने के बाद सुधीर ने लोहे की राड व रोहित ने दराती से संदीप पर हमला बोल दिया। हत्या करने के बाद दोनों वहां से चुपचाप चले गए और सो गए। इधर पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुटी हुई थी। पुलिस लगातार छापेमारी करके आरोपियों को गिरफ्तारी में जुटी है। अभी तक आरोपी सुधीर उर्फ जादू को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई करती डॉ सरोज दहिया और पुलिस, मंगलवार सुबह गांव नोनंद निवासी संदीप का शव चारपाई पर खून से लथपथ अवस्था में पड़ा हुआ मिला। संदीप को 3 बच्चे, 1 बेटा व 2 बेटी है। संदीप नशे का आदि था, इसलिए उसकी पत्नी भी करीब 1 साल से अपने मायके में रहती है और संदीप घर पर अकेला था। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। सांपला थाना प्रभारी राकेश सैनी ने बताया कि ब्लाइंड मर्डर मामले में नोनंद निवासी सुधीर उर्फ जादू को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी रोहित को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। जांच में सामने आया है कि झगड़े की रंजिश में सुधीर व रोहित ने मिलकर संदीप की हत्या की थी। वहीं गांव भाली आनंदपुर निवासी बलराज उर्फ पप्पू के ब्लाइंड मर्डर केस में भी पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने मोस्ट वांटेड 5,000 के इनामी आरोपी को किया गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को आज अदालत में पेश कर 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि 8 फरवरी को बलराज उर्फ पप्पू की भाली आनंदपुर गांव में गोलियां मार कर हत्या कर दी थी और लाश रेलवे फाटक के पास खेत में फेंक दी थी। बलराज के भतीजे अजीत ने इसका मामला दर्ज करवाया था। जांच के दौरान CIA 2 स्टाफ ने 13 जून को कसरेटी गांव के आरोपी राहुल को गिरफ्तार किया गया है। राहुल रोहतक पुलिस की मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल है व उस पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। वारदात में शामिल रहे 3 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है।